तो दोस्तों, मैंने कल एक ब्रांड न्यू मलयालम मूवी देखा जो कि हिंदी में डब्ड हुई थी। लेकिन मूवी भले ही हिंदी में थी, लेकिन मेरी मुंडी जो है वो बार बार सबटाइटल्स की ओर जा रही थी क्योंकि आदत हो चुकी है। हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो दोस्तों, मैंने सोनी लिव पे दुलकर सलमान स्टारर सल्यूट देखा। जी हाँ, कुरुप के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बाद एक रिस्पॉन्सिबल सब इंस्पेक्टर का रोल में दुलकर सलमान आपके मन मोह लेंगे। आई डाउट वाई दे डिडेंट रिलीज दिस मूवी इन थिएटर्स। थोड़ा थिएटर में देखते तो मज़ा आता, थोड़ा सीटी वीटी मारते। एनीवेज, बात करते हैं कहानी की। तो कहानी है अरविंद की, प्लेड बाय दुलकर सलमान, जो नए नए सब इंस्पेक्टर बने हैं और अपने भैया के अंडर ही काम कर रहे हैं जो DSP हैं। और उनके टाउन में एक कपल का मर्डर हो जाता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है, मर्डर तो होते रहते हैं, पुलिस वाले उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन ये मर्डर चुनाव के टाइम पे हुआ है। तो ये सिचुएशन उतना ही संगीन है जितना संगीन वैलेंटाइंस डे पे एक बॉयफ्रेंड का होता है। मतलब बाय हुक और क्रुक गर्लफ्रेंड के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट, 5-star होटल में डिनर, टेडी बियर, सब कुछ खरीद के देना है। इसके लिए दोस्तों से धार उधार, पापा के पॉकेट से चोरी ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि जंग, प्यार और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है। ये मैं नहीं, ये हमारे मूवी में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका कहना है। तो रूलिंग पार्टी के लीडर पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं कि किसी भी तरीके से इस केस को रफा दफा करो वरना पब्लिक मुझे रफा दफा कर देगी। तो इसी प्रेशर को पुलिस झेल नहीं पाती है और वो एक मासूम लाचार आदमी को पकड़ लेते हैं और उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ अनएथिकल वे से कन्विक्ट करार कर देते हैं। उस बंदे का नाम होता है मुरली। मुरली इज़ लाइक, मेरा नाम मुरली है तो मेरी ही बजाओगे क्या? लेकिन ये मामला जब कोर्ट तक पहुंच जाता है तो हमारे जो हीरो हैं उनको अकल आती है और ये सोचते हैं कि मैंने जो किया गलत किया इन लोगों का साथ देके, और वो ठान लेते हैं कि सच्चाई का वो पता करके ही रहेंगे और मुरली को जेल से रिहा करके ही रहेंगे। लेकिन बात अब सिर्फ उनकी नहीं है, क्योंकि उस साजिश में जो बाकी पुलिस वाले हैं वो पहुंच जाते हैं DSP के पास और बोलते हैं कि आपका भाई जो है वो तो विभीषण है और हमारे ही लगाने में लगा हुआ है। तो यहाँ से दुलकर सलमान या फिर अरविंद का जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, और ये भाई साहब रिश्तेदारी निभा ली है क्योंकि DSP उनके बड़े भाई हैं। तो क्या अरविंद ये सारी मुसीबतों को साइड करके सच्चाई का पता लगा पाते हैं? क्या मुरली एंड में रिहा होता है? और ये मर्डर किया किसने है? ये सब जानने के लिए देखिए सल्यूट। तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा नहीं, सेमी ड्रामा मूवी है। अब ये सेमी ड्रामा क्या है? सेमी ड्रामा का मतलब ये है कि डायरेक्टर ने बहुत कोशिश किया है टू कीप इट वेरी रियल। मतलब जितने सारे इमोशंस है, जितने सारे डायलॉग्स है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको काफ़ी रियल रखने की कोशिश की गई है। कुछ भी ऐसा डिस्टर्बिंग सीन्स, जॉ ड्रॉपिंग सीक्वेंस और चेज सीक्वेंस या फिर ओवर द टॉप एक्शन ऐसा कुछ नहीं है मूवी में। लेकिन मूवी फिर भी आपको एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि एक स्टेडी पेस में मूवी आगे बढ़ती रहती है क्लूज़ के साथ। अरविंद को कुछ क्लूज़ मिलते हैं, वो उसकी तरफ जाता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, फिर वो रुक जाता है, फिर कुछ क्लूज़ मिलते हैं, फिर वो एक डेड एंड पे आ जाता है, फिर जब वो सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता फिर एक क्लू मिलता है। फर्स्ट हाफ स्लो स्टार्टर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मूवी आगे बढ़ती है सेकेंड हाफ के बाद स्पेसिफिकली ये पेस पकड़ती है और वो थ्रिल और वो जो इंटरेस्ट है वो आपके अंदर जगाती है। लेकिन क्लाइमैक्स इस मूवी का किसी किसी को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टर के एंगल से सोचेंगे तो डायरेक्टर ने यहाँ पे इस मूवी के माध्यम से दो मैसेजेस देने की कोशिश की है। एक ये कि आप चाहे कितने भी शाणे हों और ये सोचते हों कि मेरी कहानी तो मैं खुद ही लिखूँगा, लेकिन ऊपर कोई बैठा है जो कभी भी कहीं भी आपका कहानी बदल सकता है। दूसरा मैसेज ये है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, अगर आप अपने एथिक्स को नहीं छोड़ते हैं, अगर आप सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो भले ही शुरू में आपकी लग जाए लेकिन एंड में लोग आपको सल्यूट करेंगे। मूवी में एक्टिंग सभी ने अच्छा किया है, बट दुलकर सलमान इज़ द सोल ऑफ दिस मूवी। उनका नेचुरल एक्टिंग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इज़ सुपर्ब। फैंस जरूर ये सोचते होंगे कि क्यों इस मूवी को थिएटर में रिलीज़ नहीं किया गया। जैक्स बिजोय का बैकग्राउंड स्कोर एंगेजिंग है, मूवी का सिनेमाटोग्राफी और स्क्रीन प्ले अच्छी है। जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ थोड़ी स्लो है, लेकिन धीरे धीरे ये मूवी पेस पकड़ती है और ऑडियंस को जो है एंगेज करके रखती है। और ये कंप्लीट फैमिली मूवी है, पूरे फैमिली के साथ ये मूवी आप देख सकते हैं। मूवी को दूंगा मैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार।
तो सोनी लिप पे जाइए और इस वीकेंड को एंजॉय कीजिए ये बेहतरीन मूवी मलयालम मूवी सल्यूट। और जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ़।